नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ दिवाली और ठंड में खाई जाने वाली सबसे बेहतरीन मिठाई गोंद की बर्फी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। चलिए बनाते हैं इसको। उसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए? सबसे पहले गोंद, काजू, बादाम, इलायची, नारियल पाउडर, सूखा दूध और चीनी, घी, किशमिश और केसर। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल लेंगे। हम घी में ये गोंद डालेंगे सबसे पहले और गोंद को फ्राई कर लेंगे। गोंद हमारा तैयार है, इसे निकाल लेते हैं। अब इसी में हम घी के अंदर ही थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू हल्का सा भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट में आपके काजू और बादाम हल्के से फ्राई कर लिए, बाहर निकाल लीजिए। अब इस कढ़ाई में से थोड़ा सा घी निकाल लेते हैं, गरम होगा, ध्यान से निकालिएगा। जब भी आप किचन में काम करते हैं तो सावधानी ज़रूर रखिए। अब इसमें करीब आधा चम्मच घी है और इसमें हम डाल देंगे सूखा दूध। सूखे दूध को हल्का सा भून लेंगे। और इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। गैस कम ही रखिएगा, नहीं तो आपका ये जो दूध है वो जल जाएगा। सूखा दूध हमारा गाढ़ा होता जा रहा है, एक तरीके से खोआ बनता जा रहा है। अगर आप चाहें तो खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप सूखे दूध से भी बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। अब ये जो खोआ हमने सूखे दूध का बनाया है, इसको निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई लेंगे और इसमें चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए एक बड़ा बाउल मैंने चीनी का लिया है और उसी बाउल का आधा बाउल मैंने पानी लिया है। चाशनी बनाते वक्त ही हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे, थोड़ा सा केसर डाल देंगे। चाशनी में हमारी उबाल आ गया। अभी इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, काजू और बादाम। अगर आप चाहते हैं तो आप बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। कुछ किशमिश, करीब आधा कटोरी किशमिश है ये। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट का पाउडर लिया है जिसमें काजू है और बादाम है। 2 चम्मच काजू और 2 चम्मच बादाम का पाउडर है ये, इसे भी ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी इलायची और डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सूखा हुआ नारियल का पाउडर। गैस को कम कर लेंगे। अभी जो खोआ हमने बनाया था सूखे दूध का, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा तला हुआ गोंद, हमारी बर्फी जमने के लिए तैयार है। गैस बंद कर देते हैं और इसे जमाने की तैयारी करते हैं। इसमें हम अपनी बर्फी जमाएंगे। आप थाली में जमा सकते हैं, जो भी बर्तन आपके पास है आप उसमें जमा लीजिए। उसमें जमाने से पहले इसको हम हल्का सा घी लगा करके चिकना कर लिया है। चलिए मिक्सचर डाल देते हैं। ये हमारी सेट हो चुकी है, चलिए इसके पीसेस कर लेते हैं।
लीजिए, तैयार हो चुकी है हमारी मिठाई। आशा करती हूँ आपको ये मिठाई बहुत पसंद आई होगी और इसे आप बना करके ज़रूर खाएंगे। आपका मेरा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।